हेलो सेकेंड ईयर फिजिक्स, अनादर आर्टिकल, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। ये दो प्लेटें हैं, इनमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है टी थिकनेस का, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी, मैंने वही लिखा है। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट चार्ज क्यू, प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। सपोज ए स्लैब ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड थिकनेस टी, रिमेंबर थिकनेस इज लेस देन डी, डी से कम है, इज इंट्रोड्यूसेस बिटवीन द प्लेट्स। भाई ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज टी इन डाइलेक्ट्रिक एंड डी माइनस टी इन वैक्यूम और एयर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये जो हवा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। और डाइलेक्ट्रिक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक ये होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के। तो हवा में, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V बराबर होता है E इंटू टी। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हवा में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डायलैक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ V बराबर अगेन E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर इंटू एयर में डिस्टेंस कितनी है D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायलैक्ट्रिक इंटू कितनी थिकनेस यानी टी। तो ये वैल्यूज रखी हमने, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो के इंटू टी, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो टेकन आउट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी इज क्यू बाई वी, क्यू बाई वी की जगह में लिखा क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के अपान एप्सिलॉन जीरो ए। तो ये कट पिट के सी आया एप्सिलॉन जीरो ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। रिमेंबर मीनिंग ऑफ द सिंबल हियर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक, के इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाउ डिफरेंट केसेस अराइज। नंबर वन, इफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल्स द इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, पूरे स्पेस में हम डायलेक्ट्रिक भर दें तो टी बराबर होगा डी, मैथमेटिकली दिस इज एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के, सो एप्सिलॉन जीरो ए के अपॉन डी इतना कैपेसिटेंस होगा। इफ देयर इज वैक्यूम और एयर बिटवीन द प्लेट्स, तो जाहिर है थिकनेस नहीं है, टी इज जीरो, तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। इफ देयर बी ए स्लैब ऑफ मेटल के इज इन्फिनिटी, यू नो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मेटल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो के की जगह इन्फिनिटी लिखा तो सी इज कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस टी। अगर हम इफ स्लैब्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन के टू के थ्री एटसेट्रा एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज टी वन टी टी टू टी थ्री एटसेट्रा बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर डिफरेंट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स हम रखें डिस्टेंसेज डिफरेंट डिस्टेंसेज पर, तो सी होगा एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस अब टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन एंड टी बाई के की जगह टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ अगर पूरे स्पेस में भरा हुआ है ये डायलेक्ट्रिक तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ये सब बराबर हो जाएगा डी के, ये बराबर हो जाएगा डी के, डी माइनस डी ये चला गया, तो सी आया एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन टी वन बाई के वन प्लस टी टू बाई के टू प्लस टी थ्री बाई के थ्री एंड सो ऑन।